हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीसी सीमेंट के अपर रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। एसीसी सीमेंट का जो स्टॉक है वो अभी अपने जो बिग रेजिस्टेंस एरिया है उसके नियर बाय में आ चुका है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल आपको टेस्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो इन केस अगर वो रेजिस्टेंस लेवल आपको टेस्ट करते हुए दिखे तो वहाँ से आप सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं इंटरडे में। तो उन लेवल्स को एसीसी में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी एसीसी का लेवल आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कोटक महिंद्रा बैंक का लेवल आपको प्रोवाइड किया था और वो किस तरह से परफॉर्मेंस हुई उसमें, ताकि आपको विश्वास हो सके कि लेवल जो भी हम डिस्कस करते हैं इस चैनल में वो पूरी तरह से जेन्युइन रहते हैं, जिसका आप पूरा पूरा फ़ायदा ले सकें अगर आप उस लेवल को नोट करके रखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने, आप इस वीडियो में जाके ज़रूर चेक करें, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा लेवल पे तब तक आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या फिर अभी मैं जो भी लेवल एसीसी में आपको देने वाला हूँ वो आप पूरी तरह से उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ट्रस्ट करने के लिए आप वीडियो को जाके, प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने यहाँ पर ये पीएफसी का या फिर आरईसी का, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईआरसीटीसी, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है वीडियो, जाके चेक करें थोड़ा सा, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी काम कर चुके हैं पॉजिटिव वे पे। तो ये आप जब जाके चेक करेंगे तब आपको ट्रस्ट हो पाएगा, और ट्रस्ट होगा तभी आने वाले टाइम में जो भी लेवल आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका आप पूरे से फ़ायदा ले पाएंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक में, जैसा कि ये हमने आपको 2018-2026 का लेवल पहले से दिया था, ये वाला जब कैंडल बना था उसके बाद आपको ये लेवल बता दिया था कि ये लेवल जब भी टेस्ट होता है आपको यहाँ से ज़रूर रिवर्सल देखने को मिलेगा। और इंट्राडे में भी आप देख सकते हैं जो ये वाली कैंडल, कल वाले कैंडल 2030 का हाई लगा के, और हमारा लेवल था 2026.7 का, तो अराउंड एग्जैक्ट वही एरिया लगा के इसमें गिरावट आई और जो क्लोजिंग हुई थी 1957 का। तो लेवल कितने पावरफुल रहते हैं आप देख सकते हैं, हम आपको पहले से प्रोवाइड कर देते हैं और वो एग्जैक्टली टेस्ट करके उसमें पॉजिटिव मूवमेंट होती है। तो ज़रूर वीडियो को फॉलो किया करें और लेवल को नोट करके रखा करें, ताकि ये जो मूवमेंट है इसका आप ज़रूर फ़ायदा ले पाएँ। अब बात करते हैं एसीसी के बारे में। जैसा कि कोटक महिंद्रा बैंक में हमने आपको अपर रेजिस्टेंस दिया था, तो ये चार्ट आप पहले देखें और एसीसी का चार्ट देखें, तो कुछ उसी तरह के लेवल इसमें भी हैं जैसा कि कोटक महिंद्रा बैंक में थे। तो एसीसी में जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है वो 1801.8, 1813, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसके, इसे ज़रूर नोट करके रखें, 1801.8, 1813, इस लेवल को नोट करके रखें। और इसकी अभी क्लोजिंग है 1761.65। तो लेवल थोड़ा दूर के हैं बट आप नोट करके ज़रूर रखें, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी भी तेज़ी होगी तो ये अगर इनकेस इस लेवल को टेस्ट करता है तो यहाँ से इंट्राडे में आप सेल करके ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं कुछ 20-30 पॉइंट की डाउनसाइड मूवमेंट का। और इस लेवल को ब्रेक कर दे अगर तो इसके ऊपर में फिर एक बड़ी तेज़ी फिर से होगी, जैसा कि ये नीचे से आपको ये तेज़ी दिख रही है ना ये वाली, तो इस तरह से तेज़ी इसके ऊपर में जब ये क्लोज करेगा, ब्रेक करेगा तब होगा। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक तो एज अ रेजिस्टेंस ही नोट करके रखें 1801.8, 1813 का लेवल है एसीसी में, क्योंकि ये लेवल जब भी टेस्ट होंगे यहाँ से आपको एक पैनिक, एक रिवर्सल ज़रूर देखने को मिल सकेगी। तो ज़रूर इस लेवल को नोट करके रखें एज अ रेजिस्टेंस। जब भी एसीसी इस लेवल को टेस्ट करेगा आपको यहाँ से रिवर्सल देखने को ज़रूर मिलेगी और आप इंट्राडे में सेल करके फ़ायदा ले पाएंगे। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के जो भी लेवल हम आपसे डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इन लेवल्स को हमारी जो कोशिश रहती है वो ऐसा रहता है कि हम पहले से आपको लेवल्स प्रोवाइड करें, ताकि जब वो लेवल टेस्ट होने वाले रहते हैं आपके माइंड में बिल्कुल ध्यान में रहे लेवल्स, और आप उस लेवल को नोट करके रखते हैं तो ज़रूर आप वहाँ से बाइंग या सेलिंग करके फ़ायदा ले सके, बिल्कुल भी वो लेवल आपके आपसे मिस ना हो। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है और इस चीज़ का फ़ायदा आप तक टाइमली पहुँच सके, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखा करें, क्योंकि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे हमने HVL का भी लेवल दिया था एग्जैक्टली, जो हमारा सपोर्ट पॉइंट है उसी को टेस्ट करके इसमें 70 पॉइंट की रैली होगी। और इसी तरह से कोटक में आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे जो भी लेवल हम देते हैं 80% टाइम ये पॉजिटिव वे पे मूवमेंट देता है,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के और भी लेवल्स आपके साथ रेगुलरली डिस्कस कर सकें।